नमस्ते बच्चों, आप सबका ऐसे स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो रिलेशनल फंक्शन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हो तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इजिली कर लोगे, ठीक है। एग्जाम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर भी इजिली समझ में आ जाएगा। हमें बोला लेट ले लो ए बी और सी की वैल्यू आप ले लीजिए। इसने बोला अगर एफ फंक्शन है, ये रहा एफ फंक्शन, तो अगर ए डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे तो बी हमें रेंज प्राप्त होगी। चेक कर लेते हैं, ये वन है, वन इसमें पुट करो, टू वन या टू, टू और वन कितना होगा थ्री, आ रहा है थ्री। ऐसे इसने बोला है जो जी फंक्शन है, जी फंक्शन ये ना, ठीक है, जी फंक्शन में बोला है कि बी क्या, बी बी क्या है ये रहा। अगर बी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको सी मिलेगा। चेक कर लो, यहाँ थ्री दे रखा है, थ्री थ्री का नाइन, में से टू सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया, सेवन आ गया, ठीक है। सबसे पहले मैंने चेक कर लिया क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब इसने बोला है कि गोफ इनवर्स निकालिए और एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकालिए। देखो ये तो इजी है, लेकिन यहां पर बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां देखो एफ इनवर्स और जी इनवर्स अलग अलग है ना। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, गोफ इनवर्स निकालिए। अच्छा एक और चीज पूछी है कि क्या ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, इसको भी चेक कर लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालना है, गोफ इनवर्स निकालना। तो गोफ इनवर्स निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, गोफ निकालेंगे, निकालेंगे वो, और ये किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू क्या है, टू एक्स प्लस वन। अब इस टू एक्स प्लस वन को किस में पुट करना है, जी में, जी जी में पुट करना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, एक स्क्वायर बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी फोर एक्स आ गया, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, लेट मान लेंगे, वाई मान लेंगे, और वाई किसके इक्वल है, इसके। तो ये कितना के लिए ना, ये रहा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें x को सेपरेट करना पड़ेगा। अगर हमें इनवर्स निकालना होता है तो x को बिल्कुल सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 4x किसका होता है, 2x का, प्लस ये क्या होता है, 2ab, 2 a कितना गिवन है, 2x, b क्या है हमें पता नहीं, माइनस का हमें वन दे रखा है, ठीक है, माइनस का क्या दे रखा है, वन। अब यहां पर क्या करें, मल्टीप्लाई किया, फोर बन जाए वन से, और अगर यहां वन लिख रहे हैं तो एक बार हमें क्या लिखना पड़ेगा, वन स्क्वायर प्लस का और वन स्क्वायर माइनस का लिखना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर आपको आता होगा, फिर मैंने आपको एक बार बता दिया, ये आ गया 2x, इस पूरे को एक साथ लिख लेंगे, प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस माइनस, ये जब ये चीज इसके अंदर चली गई, ठीक है, तो ये माइनस वन और कितना हो गया, टू आ गया, कितना आ गया, टू आ गया। तो समझ आ गया सबको, ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा से बता दूं यहां पर कि मैंने क्या करा, टू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया, टू, टू एक्स, ये वन है, और यहां पर ये वन को प्लस वन को मैंने यहां लिख लिया, और ये माइनस का वन माइनस का वन अलग कर दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये बन गया, क्या बन गया, 2x प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस का 2 बन गया, ठीक है। मैंने एक बार दोबारा से इसे समझा दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, x को हमें क्या करना है, अलग करना है, माइनस का 2 जाके क्या हो गया, प्लस का रूट स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। अब प्लस का बन जाके क्या बन जाएगा, माइनस का, इक्वल टू में क्या बचा, 2x। अब ये जो मल्टीप्लाई में 2 है, ये इधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड। यहां पे सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं जान भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो ये आ गया x, हमने x को सेपरेट कर दिया। हमें निकालना है क्या, गो विवर्स निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस वाई की जगह हमने क्या पुट कर देना है,
एक्स पुट कर देगा, ये हमारा इनवर्स है। ये मैं सोच रहा हूँ बच्चे रट लेते हैं कि इनवर्स निकालने के लिए वाई डिग्री पुट कर दो एक्स, ठीक है। हम एक्स ही पुट कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, हमने क्या निकाल लिया, गो इनवर्स एक्स निकाल लिया। अब ध्यान से समझो आगे, इसमें हमें क्या पूछा है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स भी निकालिए। अब यहां पर क्या एफ इनवर्स अलग है ना, तो हमें पहले फंक्शन एक्स को लेना पड़ेगा। हमने फंक्शन ले लिया एक्स का, एफ एक्स कितना गिवन है हमें, टू एक्स प्लस वन गिवन है। पर ये तो बना बनाया ना, जैसे इसमें हमने बनाना पड़ा था, जैसे ये जीओ एफ है, इसको पहले पूरा निकालना पड़ा। क्या आप इसे निकालना पड़ेगा? नहीं, ये हमें बना बनाया। तो इसमें क्या करना है, ये वाला स्टेप लगाना है। जैसे इसमें लेट मारना था, यहां पर भी लेट मार लो, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। तो लेट मान लीजिए वाई वन ले लिया, क्योंकि हमने वाई लिया था, सेम ले लेंगे वाई वन ले लेंगे। वाई वन इक्वल टू एफ एक्स ले लिया, और एफ एक्स की वैल्यू कितने की बने, टू एक्स प्लस वन की बने। अब यहां पर भी क्या करेंगे, एक्स को अकेला करेंगे, प्लस का बन जाके क्या हो गया, माइनस का। ये मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे करवाता हूं, देखो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालना है, एफ इनवर्स एक्स की रिस्पेक्ट में निकालना है, तो वाई दिया क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया एफ इनवर्स। अब क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, जी इनवर्स निकालना है। तो पहले क्या लिखेंगे, जी एक्स लिखेंगे, जी एक्स हमें कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू गिवन, ठीक है। तो इसको भी लेफ्ट मान लिया जी एक्स, ये भी बना बनाया था, हमने इसको क्या मान लिया, वाई टू मान लिया। इक्वल टू में कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू दे रखा है। तो वाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू गिवन है। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस का टू लेके क्या हो जाएगा, प्लस का टू, स्क्वायर लेके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जी इनवर्स कितना आ गया, एक्स प्लस टू, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गया। अब निकालेंगे हम ये किसकी रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स की रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। किसकी रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स की रिस्पेक्ट में निकालना। तो बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने गोफ का किया था, ऐसे लिखेंगे एफ इनवर्स जी ब्रैकेट में एक्स, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस टू रूट में। अब इस एक्स प्लस रूट टू जो है, ये जो एक्स प्लस टू है रूट में, इसको किसमें पुट कर देंगे, हम जी वाले में पुट कर देंगे। किसमें पुट कर देंगे, जी वाले में, कहा गया हमारा, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। अब फटाफट इसमें पुट कर दो, एक्स प्लस रूट टू माइनस का वन अपॉन में टू। देखो ये सेम आ गई, ये चीज और ये चीज सेम आ गई। तो इसने पूछा था क्या ये जो ऑर्डर पेयर है ये दोनों इक्वल होगा, तो आप लिखोगे यस। क्या लिख दोगे, यस। पूरी स्टेटमेंट लिख दोगे ये दोनों इक्वल है, ठीक है। कैसे लिख दोगे, यस गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस टू रूट में माइनस बराबर में टू, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप बिल्कुल फ्री फील हो जाइए, और जो क्वेश्चन आपको पूछना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका उसकी मैं वीडियो बनाकर आपको जरूर दूंगा, और आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।